स्किन दोस्तों जो होता है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। ये एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करती है और इसका वजन लगभग 12 केजी होता है। ये शरीर को मैकेनिकल यूवी रेडिएशन और पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्किन जो होती है दोस्तों सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि हीट, कूल और मैकेनिकल स्टिमुलाई को सेंस करती है। नेक्स्ट होता है हमारा स्केलेटल मसल्स। दोस्तों सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है स्केलेटल मसल्स। ये मेजर ऑर्गन होता है लोकोमोशन के लिए। ये लगभग 350 स्केलेटल मसल एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। शरीर का 50% बॉडी वेट जो है कि स्केलेटल मसल ही कवर करते हैं। स्केलेटल एक एडल्ट में 206 बोन का बना होता है। बोन्स इसमें जो होती है दोस्तों बोन्स रिजिड और फ्लेक्सिबल होती है जो कि लार्ज अमाउंट वेट कैरी कर सकती है। बोन्स का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है इसलिए ये हील भी बहुत स्लोली होती हैं। एक ब्रोकन बोन या टूटी हुई बोन को लगभग 6 हफ्तों का टाइम लेती है ठीक होने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों न्यूट्रिशन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। माउथ में जो है कि फूड धातु द्वारा क्रस्ट होता है, इसके बाद जो है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन जो होता है वो हाईली एसिडिक स्टमक में इसका पाचन होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रिया से सीक्रेट होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके साथ ही बाइल जो कि लीवर से सीक्रेट होता है लिपिड का डाइजेशन करता है। कॉलन पार्ट में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारे शरीर में कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज दोनों ही लंग्स में होते हैं। रिलैक्स स्टेट में हम एक मिनट में लगभग 60 टाइम जो है कि सांस अंदर लेते हैं और हर बार लगभग 1/2 लीटर गैस एक्सचेंज करते हैं। लंग्स का कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि स्मोकिंग से इसके चांस बढ़ जाते हैं। ब्लड हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का निर्माण करता है। सिस्टम सर्कुलेशन हमारे शरीर के एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स में भेजता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कि फिर से हार्ट में आ जाता है जिसके बाद हार्ट इसे पूरी बॉडी में पंप कर देता है। रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रख सकते हैं। अननेसेसरी और हार्मफुल प्रोडक्ट किडनी द्वारा रिमूव किए जाते हैं। किडनीज लगभग 1.5 लीटर यूरिनरी पर डे प्रोड्यूस करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती है। यूरिन जो कि वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है और उसके बाद यूरेथ्रा द्वारा बाहर कर दी जाती है। स्मॉल स्टोन इन किडनी कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड इन द यूरिन। नर्वस सिस्टम हार्मोनल सिस्टम के साथ मिलकर हमारे शरीर के सारे फंक्शन को करते हैं। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और जो पेरिफेरल सिस्टम नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व से बना होता है जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है ब्रेन और ऑर्गन्स को इन इलेक्ट्रिकल्स। शरीर में क्रेनियल नर्व के 12 पेयर होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़े होते हैं। हॉर्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एड्रेनल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन पिनक्रियास द्वारा प्रोड्यूस होता है और थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के सेंटर में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होता है जो कि हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन फिर अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। तो आज की वीडियो में जो है कि हमने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम जो इम्पोर्टेंट थे हमको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम सारे सिस्टम को एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट और जीपेट नाइपर या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।